बात ओपी नैयर साहब की। नैयर साहब ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने नहीं बल्कि हीरो बनने आए थे। लंबे चौड़े गोरे खूबसूरत, उनके दोस्त अक्सर कहा करते थे, ओमकार तू यार बिल्कुल हीरो लगता है। जब ऐसे कॉम्प्लीमेंट किसी को मिलते हैं तो वो सबसे पहले सचमुच हीरो बनने की सोचता है। नैयर साहब ने भी ठान लिया कि वो फिल्मों में हीरो बनेंगे, जबकि वो एज ए सिंगर रेडियो स्टेशन में काम कर रहे थे। खैर साहब हीरो बनने के लिए बोरिया बिस्तरा बांधकर पहुंच गए बंबई और अपने एक्टर दोस्त श्याम के पास रहने लगे। श्याम उन दिनों फिल्माले की एक फिल्म कर रहे थे, फिल्म का नाम था शबिस्तान। सो वो ओपी नैयर को लेकर फिल्माले पहुंच गए। अच्छा, दोस्त श्याम को मालूम था कि ओमकार प्रसाद नैयर को यानी ओपी नैयर को संगीत का ज्ञान है, अच्छी पकड़ है, इसलिए श्याम ने फिल्मालय के शशधर मुखर्जी से ये कहते हुए मिलवाया, इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरा दोस्त है, इसको म्यूजिक कंपोजर बनना है। लेकिन श्याम की इस बात को ओपी नैयर ने काट दिया और बोले कि कंपोजर वंपोजर छोड़ो, मुझे तो हीरो बनना है, आप तो मेरा स्क्रीन टेस्ट ले लो। चूंकि नैयर साहब श्याम के साथ आए थे तो उनका मान रखते हुए शशधर मुखर्जी ने स्क्रीन टेस्ट लेने का इंतजाम कर डाला। ओपी नैयर साहब का स्क्रीन टेस्ट हुआ और स्क्रीन टेस्ट के बाद शशधर मुखर्जी ने रिजल्ट देखकर साफ शब्दों में कह दिया कि भैया तुम्हारी शक्ल तो अच्छी है पर इस शक्ल के अलावा हीरो बनने लायक और कोई क्वालिटी मुझे तुम्हारे अंदर नजर नहीं आ रही है, इसलिए अच्छा होगा कि हीरो बनने का सपना छोड़ दो और कुछ और करने की सोचो। इतने ब्लंट रिएक्शन के बाद जाहिर है नैयर साहब को बहुत बड़ा झटका लग रहा था जो लगा, और बहुत दिनों तक वो डिप्रेशन में डूबे रहे। टाइम बीता, एक दिन दोस्त श्याम ने बिठाकर समझाया कि यार एक दरवाज़ा बंद हो गया है, दूसरा खुला हुआ है, तुम्हें संगीत का ज्ञान है, संगीत पर अच्छी पकड़ है, दिमाग चलता है, संगीत के फील्ड में क्यों नहीं अपना करियर बनाने का ट्राई करते हो। अब कमाल की बात देखिए कि संगीतकार का टेस्ट देने पर भी नैयर साहब सबसे पहले शशधर मुखर्जी के यहीं गए और एक बार फिर रिजेक्ट हो गए। मगर इस दोबारा के रिजेक्शन ने उनके इरादे नहीं बदले और धीरे धीरे कोशिश करके अपनी प्रतिभा के बल पर वो एक दिन अपना एक अहम मकाम बना ही बैठे फिल्म इंडस्ट्री में। ओपी नैयर, याद दिलाना चाहूंगा एक गीत, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले गीत गा ले। चिच्चोर फिल्म के इस गीत को गाने वाली हेमलता जी से इसी फिल्म की रिकॉर्डिंग के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन ने ऐसा क्या कह दिया कि वो रिकॉर्डिंग में ही फूट फूट कर रोने लगी, ये किस्सा बताऊंगा लौट कर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।